हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ श्लोक्स वर्ल्ड। तो अभी का सीन ये है कि अभी बज रहा है कुछ शाम का एक मिनट, तो शाम का 6:15। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से। तो घर से निकल कर मैं जा रहा हूँ ASC, जो कि है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ मैं किस लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं राहुल से मिलने, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे को देने वाला, तो इसलिए मेरे को वहाँ बुला रहा। और उसके बाद जाएंगे हम लोग घाघरपुरी मंदिर, क्योंकि बहुत दिन हो गया घाघरपुरी मंदिर हम लोग गए नहीं। और इस साल का जब स्टार्टिंग हुआ था, मतलब 2023 जब, मैंने 2023 जब स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद मैं एक बार जाने वाला था घाघरपुरी मंदिर, लेकिन मैं जा नहीं पाया कुछ कारणवश। तो आज जब भी मौका मेरे को मिला कि घाघरपुरी मंदिर चलना है, जैसे मैंने उसका नाम सुना तो मैंने प्लान कर लिया कि अभी मेरे को निकलना है घाघरपुरी मंदिर के लिए। तो उससे पहले मैं जाऊंगा अभी ASC कॉलोनी, तो वहां जाऊंगा, थोड़ा अड्डा वड्डा मारूंगा, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फिर चाय पी के वहां से एकदम निकलेंगे, निकल के चल जाएंगे घाघरपुरी मंदिर। और कल सुबह आने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करके रहिए, क्योंकि कुछ मैं एक एक्सेसरीज ऐसा लेने वाला हूँ जिसमें व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा से आएगा। और मैं फिर से आने वाला हूँ एवरीडे व्लॉगिंग पे। अभी एक दो दिन तीन दिन गैपिंग में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा मतलब काम है जो पेंडिंग में चल रहा था, उस सबको मैंने सेटल कर लिया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मंथ एंड चल रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ऊपर से ईयर एंड आने वाला है, तो हम लोगों का जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम होता था, तो सब कुछ प्रॉब्लम सेव करके अब आऊंगा मैं एवरीडे व्लॉगिंग पे, फिर से रोज व्लॉग करूंगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा, लेकिन आऊंगा मैं जो मतलब रोज ही आऊंगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने, रेडी होके और निकल चलते हैं ASC कॉलोनी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये अभी निकलते हैं घर से बाहर, और आप लोगों को मैं मिलता हूँ डायरेक्ट अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, और बाइक को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसमें तो फ्यूल है नहीं, तो फ्यूल लेना होगा, कल के लिए मैं एकदम ले लूँगा। तो चलिए अभी घर से निकलते हैं, और डायरेक्ट आप लोगों को मिलता हूँ मैं थोड़ा रोड में उठने के बाद। लेट होने का कारण है राहुल, क्योंकि राहुल घर से निकलने में बहुत ज़्यादा लेट किया, और एक जन भी आने वाला है, वो संजीव दास। संजीव दास भी अभी तक पहुंचा नहीं है, खाली राहुल आया है। तो चलिए चलते हैं अपना पहले घाघरपुरी मंदिर, और फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। भोले बाबा का मंदिर जो आज हम लोग दर्शन करने आए हैं, और ये कुछ ऐसा टेंपल है एकदम चकाचौन अच्छा वाला। शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है, और बाकी यहाँ भी एक मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, और उधर और एक मंदिर है हनुमान जी का टेंपल। तो तीनों टेंपल एक साथ ही रखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर जो माँ का मंदिर है, तो ये था बाबा शिव जी का मंदिर, और अभी हम लोग जा रहे हैं माँ का मंदिर। तो चलिए माँ का मंदिर दर्शन करते हैं, और यहाँ पर चल रहा है गाड़ी का पूजा, और हम लोग ऐसे ही भवगुरे। तो हम लोग बंगाल में एक कहावत है भवगुरे,
तो वही ऐसे ही घूम रहे हैं हम और मेरा भाई। तो एकदम सामने दर्शन हो चुका, थोड़ा हाथ वाथ धोएंगे उसके बाद अंदर चल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा एकदम राहलिन की तरफ। तो राहलिन जाएंगे और बैठेंगे वहाँ पर, और एक दो बातें हैं वो भी करना है, आप लोगों से भी करना है। तो आप लोगों से जो बातें करना है वो मैं घर में जाके करूँगा, और वहाँ पर जो काम है मैं वहाँ पर कर लूँगा। और साथ में जाएंगे और एक जगह जहाँ पर मैं बनाने दूँगा अपना स्टिकर्स, जो स्टिकर्स मैं बनाया था वो सारा हो चुका है ख़त्म। तो एक न्यू डिज़ाइन के साथ कुछ स्टिकर्स आने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो लाइकिंग को दबाना एकदम मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना एकदम मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए अब रोड को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। नाउ टाइम फॉर रिफ्यूलिंग। रिफ्यूल नहीं करवाऊंगा तो चला भी नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि पेट्रोल एकदम खत्म होने को है। तो अभी लेंगे इसमें पेट्रोल, कितना चल रहा है भाई, 106.28 लीटर। तो देखिए इसमें फ्यूल। पूजा हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग देख ही सकते हो। मैंने टीका भी पहन लिया और प्रसाद भी मैंने ले लिया, थोड़ा सा प्रसाद वहाँ पर खाया था, थोड़ा सा प्रसाद लेके आया हूँ मैं घर के लिए, तो मम्मी को देंगे पापा को देंगे। और कल मेरे को मिला है एक स्टिकर यहाँ पर जो कि एडवेंचर यूनिट का एक स्टिकर है, तो वो मेरे को मिल चुका है। और इसी व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे को रानीगंज में जो बंगाल मोटर फेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे को क्या मिला है। तो मेरे को उसमें मिला था एक टी शर्ट और एक स्टिकर। तो स्टिकर कुछ मैंने कुछ कारण से मेरा से गुम गया है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो टी शर्ट मेरे पास है तो मैं आप लोगों को टी शर्ट दिखाऊंगा कि क्या टी शर्ट मिला है और क्या लिखा हुआ है उसमें, तो मैं आप लोग ऊपर चल कर वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। बाइक मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया और मेरे को जो स्टिकर का काम था तो वो स्टिकर का काम आज हुआ नहीं क्योंकि दुकान ऑलरेडी बंद हो चुका था। और पूजा बहुत ही अच्छा तरीके से हुआ, तो लेट भी हो गया था वहाँ पर, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जाएंगे, अगला ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगा कि मैं स्टिकर कहाँ पर जा रहा हूँ ऑर्डर देने और कैसे स्टिकर बनेगा, कैसा स्टिकर होने में देखने में कैसा होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को शायद इसी ब्लॉग में दिखा दूंगा कि स्टिकर कैसा देखने में होने वाला है। तो चलिए अभी चलते ऊपर। हेलमेट मैंने ऑलरेडी बैग में घुसा के रखा था क्योंकि मैं थोड़ा राहलिन गया था एक काम से, तो वहाँ पर बहुत सारा भाई लोग जो रहता है तो उन लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं हेलमेट वहीं पर खोल के बैग में डाल लिया था। क्योंकि इतना क्वेश्चन का जवाब देने में अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मतलब वही क्या है ये, इतना बड़ा हेलमेट क्यों है, कैमरा क्यों लगा हुआ है इसमें, तो दे के मैं इरिटेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं देता नहीं हूँ उतना। तो मैं इसलिए मैंने हेलमेट को लेके अपना बैग में घुसा लिया। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर। तो गाइज मेरे को मिला है ये वाला टी शर्ट जो रानीगंज से मेरे को मिला था बंगाल मोटर फेस्ट से। तो यहाँ पर है रानीगंज आर्ट ग्रुप का लोगो और यहाँ पर कुछ जो स्पॉन्सर्स है उन लोगों का लोगो, मोटुल है, यामा है, पीएस देवराज है, तो इन लोगों का मिला है। और ये बंगाल मोटर फेस्ट वाला जो टी शर्ट है वो है। तो मैं आप लोगों को अब मिलता हूँ डायरेक्ट सुबह, और सुबह आने वाला है एक सरप्राइज़ के साथ आप लोगों को मिलूंगा मैं। तो मैं लेने वाला हूँ एक नया एक्शन कैमरा, तो कौन सा एक्शन कैमरा लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ वो आप लोग गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बनी रहिए।
कल सुबह के लिए। The next day. Guys, welcome back to the channel. और मैं कल का व्लॉग को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दुर्गापुर के लिए, क्योंकि दुर्गापुर में जाऊंगा तभी तो नया एक्सेसरीज आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या लेने वाला हूँ। तो मैं अपना जो SJ कैम है, SJ6 लेजेंड, जो कि ये वाला कैमरा है, तो मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ हीरो में। तो हीरो मतलब GoPro में एक अपग्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे को एक बहुत अच्छा डील में एक GoPro मिला है, तो GoPro हीरो 5। तो मैं उसको लेने के लिए दुर्गापुर जा रहा हूँ अभी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा राइडिंग जैकेट यहाँ पर है। लेकिन अभी कुछ प्लान बना है कि एक कोई मंदिर है तो उसको भी दर्शन करके आएंगे, तो मम्मी और पापा भी जाएंगे साथ में, तो इसलिए हम लोग गाड़ी निकलने वाले हैं। तो अभी राइडिंग जैकेट को रख देते हैं एकदम साइड पे और निकल चलते हैं गाड़ी लेके। तो चलिए अभी का ब्लॉग स्टार्ट करते, फिर से रास्ता में कंटिन्यू करते। ये रास्ता जाता है सीधा खड़गपुर को, यहाँ बोर्ड भी है, और इधर चल जाएगा सीधा कोलकाता का तरफ, और इधर से मैं आया आसनसोल का तरफ से। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा कैमरा, कब कैमरा को लेके मैं यहाँ से निकलूँगा घर के लिए। और मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नींद भी आ रहा है, मुझे रात को बहुत लेट से सोया था और सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। तो चलिए पहले कैमरा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। तो ऐसा खेत वाला जगह बहुत ही पसंद आता है, मैंने ये जगह होता है एकदम शांत सुकून से। यहाँ पर एक छोटा सा अपना मतलब फार्म हाउस टाइप का हो जाए, अपना ही खुद का सब्जी उगाएंगे, खाएंगे और मस्त करेंगे, एकदम मस्ती से रहेंगे। ऐसा खड़ वाला जो चाली होता है उसमें रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। कभी फ्यूचर में अगर आप लोगों का सपोर्ट बन के रहा और अच्छा खा कि कहीं जाके ऐसा ही विलेज टाइप का रहने का कोशिश करूंगा जिसमें खेत भी होगा और सब कुछ होगा, तो ऐसा कोशिश भी जारी रहेगा। तो यहाँ गाड़ी खड़ा है मेरा और खाली वेट कर रहा हूँ वो भैया के लिए, जो भैया का साथ मेरा बात हुआ है जिसके पास से मैं GoPro लेने वाला हूँ। तो मैं पैसा सारा लेके आया हूँ, तो अभी खाली उसके साथ डील करेंगे, लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपना आईफोन से, थोड़ा सा एक शूट करूँगा मैं अपने SJ कैम को मैं साथ में लेके आया हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट करूँगा मैं GoPro में। तो ये जो शिफ्टिंग वाला सिचुएशन है ये मैं घर में जाके करूँगा, अभी नहीं करूँगा, अभी आईफोन से जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अभी जस्ट मैं घर आया और घर पहुंचा, अभी थोड़ा GoPro को अच्छा से टेस्ट करूंगा, फिर आप लोगों को रिव्यू बताऊंगा कि कैसा था, तो उससे भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए पहले थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा वीडियो दिखाता हूँ। गाइस ये ब्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसको ज़्यादा टान के फ़ायदा नहीं है, एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर 15-16 मिनट से ज़्यादा हो जाता ब्लॉग तो एडिट करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूं मैं। और जो GoPro को मैं लेके आया था और उसको मैंने बोला था कि मैं उसको टेस्टिंग करूंगा जो भी करूंगा, तो मैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग में एक बार दिखा देता हूं GoPro। तो मेरा GoPro ये रहा, तो मैंने लेके आ गया, उलानसी केस के साथ ही मेरे को मिला है ये वाला। तो ये GoPro आ गया, तो इसका टेस्टिंग मैं अगला ब्लॉग में करूँगा। और इसका जो मतलब ये ब्लॉग मैंने इस चैनल में एक आएगा कि इसका टेस्टिंग, और इसका जो रिव्यू ब्लॉग होगा वो आएगा मेरा सेकंड चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन मेरा मतलब उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब गलत ही हो जाता है। तो उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके फॉलो कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसे इस चैनल में आप लोग प्यार दिखाते आए हैं, वैसे उस चैनल को भी आप लोग प्यार दिखाइए। तो चलिए करते इस ब्लॉग को यहीं तक। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ स्लोक्स वर्ल्ड, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।